हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकेश बानकर, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड सीन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड सिग्नल। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 1.2, एम्पलीफायर्स, अंडर द यूनिट नंबर 1, ऑडियो फंडामेंटल्स। So before start our today's lecture, first of all we will see what are the learning outcomes. So the first learning outcome is you will able to learn about the hi-fi amplifier. Then you will able to know the characteristics of hi-fi amplifier, and finally you will able to understand the comparison between the stereo and hi-fi amplifier. So these are the learning outcomes of our today's lecture. So the hi-fi amplifier, the hi-fi means high fidelity, that is the long form of hi-fi is high fidelity. The fidelity means faithfulness. So high fidelity reproduction is essentially sound reproduction, such that the most critical person can listen without any distortion. So high fidelity reproduction, ye kya hota hai? It's a sound reproduction. साउंड रिप्रोडक्शन होता है इस तरीके का कि जो क्रिटिकल पर्सन जो है वो भी लिसन कर सकता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, तो उसको बोलेंगे हम हाई फिडेलिटी। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फाई एम्पलीफायर। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द स्टेरियो एम्पलीफायर बिकम्स हाई फाई एम्पलीफायर इफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड। तो जो स्टेरियो एम्पलीफायर है उसको हम हाई फाई एम्पलीफायर बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब अभी जो कंडीशन बता रहा हूँ मैं वो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होती है तो। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुड बी बेटर देन 50 dB। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है वो ग्रेटर होना चाहिए, कितना? 50 dB से ज़्यादा। देन सेकंड इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शुड बी फ्लैट विद इन प्लस माइनस 1 dB। तो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो कितना होना चाहिए? फ्लैट विद इन प्लस माइनस 1 dB इतना होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? द सिस्टम शुड पोजेस डायनामिक रेंज ऑफ एटलीस्ट 8 dB। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या हो गई? जो सिस्टम है इट शुड पोजेस द डायनामिक रेंज ऑफ एटलीस्ट 8 dB। तो ये तीन अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड होती है तो हमारा स्टेरियो एम्पलीफायर बिकम्स क्या हो जाएगा? हाई फाई एम्पलीफायर। देन द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन शुड बी लेस देन 1%। तो जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है वो कितना लेस देन होता है? 1%। द स्टीरियोफोनिक इफेक्ट शुड बी प्रोवाइडेड। द एनवायरमेंटल कंडीशन शुड बी सच दैट टू एलिमिनेट द एक्सटर्नल नॉइज इन ए लिसनिंग रूम। नाउ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ हाई फाई एम्पलीफायर। अभी हम हाई फाई एम्पलीफायर के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो देखेंगे। So the voltage gain is 20 log VO by V in dB. तो ये हो गया हमारा voltage gain, then bandwidth, then impedance, then distortion. And in distortion, the four types, that is frequency distortion, phase distortion, amplitude distortion, and self oscillation distortion. So these are the specifications of hi-fi amplifier. Then the comparison of stereo and hi-fi amplifier. तो अभी हम स्टीरियो एम्पलीफायर और हाई फाई एम्पलीफायर का कंपैरिजन देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन अ स्टीरियो एम्पलीफायर द लेस सिग्नल टू नॉइज रेशियो, बट इन हाई फाई एम्पलीफायर द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज बेटर। सेकंड पॉइंट इज नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन ऑकर्स इन स्टीरियो एम्पलीफायर, बट इन हाई फाई एम्पलीफायर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन नॉट मोर देन इनपुट और आउटपुट। देन थर्ड point is the equalizers not used in stereo amplifier but in hi-fi amplifier equalizers were used. So in a stereo amplifier two-way crossover network with gain control exist, but in hi-fi amplifier three-way crossover network exist. So ye stereo aur hi-fi amplifier ka comparison ho gaya. Now the block diagram of hi-fi amplifier. So दिस इज अवर ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाई फाई एम्पलीफायर। तो इसमें
दो चैनल होते हैं, एक लेफ्ट चैनल और दूसरा राइट चैनल। तो लेफ्ट चैनल देखेंगे हम, तो लेफ्ट चैनल में देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, प्री एम्पलीफायर, उसके बाद में इक्वलाइजर, देन पावर एम्पलीफायर, देन मैचिंग सर्किट और दिस इज एलएस, दैट इज लाउड स्पीकर। तो राइट चैनल में देखो प्री एम्पलीफायर है, इक्वलाइजर है, पावर एम्पलीफायर, मैचिंग नेटवर्क और लाउड स्पीकर। अब इन दोनों लेफ्ट और राइट चैनल को मैच करने के लिए पावर एम्पलीफायर जो है, दोनों चैनल के पावर एम्पलीफायर, उसको यूजिंग रेजिस्टर मैचिंग सर्किट वहाँ पे दिया है, दिस इज द मैचिंग सर्किट। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाई फाई एम्पलीफायर। देन द कंट्रोल्स अवेलेबल ऑन हाई फाई एम्पलीफायर, सो बैलेंस, ब्लेंड एंड मास्टर गेन कंट्रोल, देन सेकंड इज लाउडनेस कंट्रोल, थर्ड इज टोन कंट्रोल। अब टोन कंट्रोल में भी दो है, एक है बास कंट्रोल और दूसरा है ट्रिबल कंट्रोल, देन क्वासी स्टीरियो स्विच, देन माइक इन, ऑक्स इन एंड ईयरफोन इन। सो दीज आर द डिफरेंट कंट्रोल्स अवेलेबल ऑन हाई फाई एम्पलीफायर। नाउ प्रोग्राम आउटकम्स, तो अभी पीओ देखेंगे कौन से मैप होते हैं, PO1, PO3, PO6 और PO7। ये चार पीओस आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हुए उसको मैप करते हैं, सो दिस इज द पीओ मैपिंग। ओके, नाउ थैंक यू।